मेरे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं मिसेस अनु रॉय आप सभी बच्चों का कंपटीशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूं। आज लैंग्वेज मंत्रा के अंतर्गत हम उन टॉपिक को पढ़ रहे हैं जिसके अंतर्गत हमने बहुत सारी चीजों को कवर किया है, जिसमें आपने चार विकारी शब्दों को पूरा कर लिया है और उसमें विकार उत्पन्न करने वाले कारकों में वचन और लिंग को आपने पढ़ा था। क्रिया के कुछ पक्ष होते हैं, कि जहां पर क्रिया जो है अगर विषय के अनुसार प्रभावित होती है तो उससे वाच्य बनता है, और उसी प्रकार अगर वो समय के आधार पर होती है तो उससे काल बनता है। किसी भी शब्द को विकार उत्पन्न करने का जितना महत्वपूर्ण हिस्सा वचन लिंग पुरुष का होता है, कारक रचनाओं का होता है, उतना ही प्रभाव काल का भी होता है। ठीक है, तो आज के इस लैंग्वेज मंत्र में हम पढ़ने वाले हैं टेंस के बारे में। देखने वाली बात है कि इसे संस्कृत में कहा जाता है लकार। ठीक है, संस्कृत में इसे लकार कहा जाता है। इसी लकार के साथ में हम किसको मिलाते हैं, धातु शब्द को। और बचपन में आपने पढ़ा था धातु शब्द से मिलकर बनता है आपका धातु लकार, जहां आपने परस्मै पद धातु, आत्मनेप पद धातु और उभय पद धातु को पढ़ा था। अब आप कहेंगे कि ये क्या होते हैं, तो परस्मै पद धातु जिसमें हम तिंग प्रत्यय का इस्तेमाल करते हैं, जो ती था अंति वाले होते हैं वो परस्मै पद धातु होते हैं, और जहां ते एते अंति वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं वो आत्मनेपद होते हैं, और जहां दोनों का प्रयोग किया जाता है उसे उभय पद कहा जाता है। संस्कृत के धातु शब्द की खासियत होती है कि ये कुछ धातु ऐसी होती हैं जो वर्तमान और भूतकाल में बदल जाती हैं। जैसे कि देखा जाए तो अगर वो दृश्य धातु कहता है तो संस्कृत के अनुसार यह दृश्य धातु वर्तमान और भूतकाल में पश्य होता है, परंतु अपने भविष्य काल में फिर से दृश्य धातु में ये आ जाता है। तो ऐसी धातुएं जो वर्तमान और भूतकाल में बदलती हैं उसे सेट धातु कहते हैं। उसी प्रकार वेट धातु होती हैं और एक होती हैं जिसे अनिक धातु कहा जाता है। इन्हीं धातु शब्दों को हम 10 प्रकार के गण में बांटते हैं, जहां भवादि, तुदादि, चुरादि, है ना, ऐसे आपके गणों में उसे बांटा जाता है, और उस गणों से लेकर 10 प्रकार के लकार बनाए जाते हैं, जहां प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा में, हाई स्कूल में आप वहां पर से 5 प्रकार के लकार को पढ़ते हैं। जैसे हम वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल 3 काल में बांटते हैं, उसी के अंतर्गत आप लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार और विधि लिंग को पढ़ते हैं। उसी से संबंधित चीज हिंदी में हम किस प्रकार इस्तेमाल करेंगे, आज हमारे टॉपिक में हम उसको पढ़ेंगे। तो किसी भी कार्य को करने का समय होता है हमारे लिए काल, यानी अगर देखा जाए तो व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का नाम यदि बताती है तो उसे हम संज्ञा कहते हैं। बदले में आने वाला शब्द हमारे लिए सर्वनाम है। संख्या बताई वचन ने, विशेषता बताया विशेषण ने, क्या करते हैं वो क्रिया। तो कब करते हैं, तो कार्य के करने या होने के समय को काल कहा जाता है। इसको करने वाले कौन होते हैं, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। तो किसी भी संज्ञा को, सर्वनाम को, क्रिया को और विशेषण को विकार उत्पन्न कराने वाले कारकों में काल का भी नाम लिया जाता है। ठीक है, ये काल देखा जाए तो मुख्य तौर पर 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारे लिए कार्य जो वर्तमान समय में चल रहा हो उसे वर्तमान काल, कार्य समाप्ति के सूचक को कहा जाता है भूतकाल, और आने वाले समय में यदि कार्य का करना या होना पाया जाए तो उसे भविष्य काल के नाम से पुकारा जाता है। और इसी से संबंधित वर्तमान काल के कितने पक्ष हैं, भूतकाल के कितने पक्ष हैं और भविष्य काल के कितने पक्ष हैं, यानी कि काल के 3 भेद में वर्तमान, भूत और भविष्य के कितने उपभेद हैं, उन सब की चर्चा यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, क्रिया के उस रूपांतर को जिससे उसके कार्य व्यापार के समय और उसकी पूर्णता अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो उसे क्या कहा जाता है। आज के भी क्वेश्चन हम जो सॉल्व करेंगे वो विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को हम लेकर सॉल्व करेंगे कि इसके अंतर्गत किस तरह के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। ऑप्शन ए कहता है क्या उसे कारक कहा जाता है, ऑप्शन बी कहता है क्या उसे काल कहते हैं, ऑप्शन सी कहता है अव्यय, या ऑप्शन डी कहलाती है संधि। तो अभी मैंने बताया किसी भी कार्य का करना या होना पाया जाए जिससे उसकी पूर्णता, अपूर्णता, स्थिति, समय आदि का बोध होता है उसे काल कहा जाता है। तो फिर कारक क्या है, संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया से सूचित हो और जहां जिस चिन्ह के द्वारा उसे प्रदर्शित किया जाता है उसे कारक चिन्ह कहा जाता है।
ऐसे शब्द जिसमें किसी भी प्रकार के विकार या रूपांतर उत्पन्न नहीं होते उसे अव्यय या अविकारी शब्द कहा जाता है, जो आने वाली क्लास में आपको मेरे द्वारा बताया जाएगा। दूसरी बात कि वर्ण अक्षरों के मध्य अगर किसी वर्ण में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न हो तो वर्ण अक्षरों के मेल की प्रक्रिया को संधि की प्रक्रिया कही जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। वर्तमान काल के कितने भेद हैं? तो सबसे पहले हम देखेंगे वर्तमान काल क्या है। ऑप्शन कहता है कि 2 है, 3 है, 4 है या 5 है। तो वर्तमान समय का सूचक, ऐसी क्रिया जो वर्तमान समय में चल रही हो, सतत कार्य में प्रवाहरत हो, यानी कि जो कंटिन्यूशन हो। ठीक है, ऐसी क्रिया जो सतत कार्यरत हो, ऐसी क्रिया को वर्तमान काल कहा जाता है। तो वर्तमान काल के कितने प्रकार है? वर्तमान काल के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक होता है सामान्य वर्तमान काल, जिसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। दूसरा होता है अपूर्ण वर्तमान काल, जिसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तीसरा होता है पूर्ण वर्तमान काल, जिसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। चौथा होता है संदिग्ध वर्तमान काल या संभाव्य वर्तमान काल, जिसे हम डाउटफुल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। और एक होता है पूर्ण सातत्य वर्तमान काल, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, तो वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। अगर इन सभी चीजों के बारे में आपको बहुत गहराई से जानना है तो हर बार हर लेक्चर में कहती हूं कि आपके वीडियो में आई बटन होगा, जिसको क्लिक करेंगे तो वहां पर एक लिंक दिखेगा। उस लिंक में अगर आप जाते हैं तो हिंदी से संबंधित जो भी टॉपिक आपको सर्च करना है, पढ़ना है, तो लेक्चर वीडियो में जाकर आप उसे वहां से प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन के बाद, थर्ड क्वेश्चन। भूतकाल का भेद नहीं है, असंदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल या आसन्न भूतकाल, ये पूछा गया है आपके 2018 में सीजी व्यापम के अंतर्गत। तो भूतकाल क्या है? किसी भी कार्य की समाप्ति का सूचक। ठीक है, तो भूतकाल किसे कहते हैं? कार्य समाप्ति का सूचक हमारे लिए क्या कहलाता है? भूतकाल कहलाता है। भूतकाल के 6 भेद माने जाते हैं, भूतकाल के 6 भेद माने जाते हैं। उस 6 भेद में सामान्य भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, आसन्न भूत, संभाव्य भूत और एक होता है हेतु हेतुमद भूतकाल। लेकिन संदिग्ध भूत, अपूर्ण और आसन्न तो होता है, पर असंदिग्ध भूतकाल नहीं होता है। दूसरी बात, इसकी पहचान के तौर पर मैं चीजें आपको बताऊंगी कि हम कैसे जानेंगे कि कार्य में कैसे हुआ। ठीक है, तो अगर वो वर्तमान काल कहता है, अगर वो हमारे लिए वर्तमान काल कहता है, तो वर्तमान काल की सूचक क्या होती है? किसी भी क्रिया के मूल धातु शब्द में यदि ता, ते, ती जुड़ जाता है ना, और वर्तमान काल की सहायक क्रिया जुड़ जाती है हु और हो जुड़ जाती है, तब ये हमारे लिए समाप्य वर्तमान काल हो जाता है। दूसरी बात, यदि हम भूतकाल की बात करते हैं तो भूतकाल में क्या होता है? किसी भी क्रिया के मूल धातु शब्द में हम क्या जोड़ देते हैं? था, थे और थी जोड़ देते हैं और यह हमारे लिए भूतकाल हो जाता है। भविष्यकाल की पहचान क्या होती है? भविष्यकाल की पहचान होती है कि जब हम क्रिया के किसी मूल धातु शब्द को लेते हैं तो यहाँ पर हमारे लिए गा, गे, गी जो है वो जुड़ता है। और इस तरह देखा जाए तो सामान्य वर्तमान, सामान्य भूत और सामान्य भविष्य काल को इस तरह समझा जा सकता है कि अगर कहता है बच्चा खेलता है, बच्चे ने खेला या बच्चा खेल रहा था, इसी प्रकार बच्चा खेलेगा, तब हम काल को पहचानते हैं। और इसी में इसके पक्ष होते हैं, इसी मूल धातु में इसके कुछ पक्ष होते हैं जहां सहायक क्रियाओं के तौर पर चीजों को जोड़ा जाता है। ठीक है, तो देखने वाली बात है कि भूतकाल का भेद नहीं है, तो संदिग्ध भूतकाल क्या होता है? जहां भूतकाल की क्रिया पर संभावना व्यक्त की जाए वहां संदिग्ध भूतकाल यानी कि डाउटफुल पास्ट टेंस होता है। उसकी परीक्षा समाप्त हो गई होगी, पिताजी कार्यालय से आ गए होंगे। अपूर्ण भूतकाल, जहां पर कार्य की भूतकाल में शुरुआत तो हुई थी परंतु समाप्त नहीं हुई है, बच्चा खेल रहा था, माता रोटी पका रही थी। और आसन्न भूतकाल क्या है? जिसे इमीडिएट पास्ट टेंस कहते हैं, थोड़े ही समय पहले कार्य की समाप्ति हुई हो, कि कथा अभी समाप्त हुई है, तो वो आसन्न भूतकाल कहलाता है। परंतु असंदिग्ध भूतकाल जैसा कोई भी उपभेद भूतकाल में पाया नहीं जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं।
क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वह भूतकाल में हो सकती थी किंतु किसी कारण से नहीं हुई है, उसे किस काल की क्रिया कहते हैं? आसन्न भूतकाल कहते हैं कि हेतु हेतुमत भूतकाल कहते हैं कि अपूर्ण भूतकाल कहते हैं कि संदिग्ध भूतकाल कहते हैं? तीन मैंने आपको बता दिए। हेतु हेतुमत क्या होता है? जहां भूतकाल की एक क्रिया पर दूसरी क्रिया निर्भर करे, ठीक है। तो क्रिया की जिस रूप से पता चले कि वह भूतकाल की क्रिया हो सकती थी परंतु किसी कारण से नहीं हुई, मतलब एक क्रिया पर दूसरी क्रिया निर्भर होगी, तो ऐसी क्रिया हमारे लिए हेतु हेतुमत भूतकाल कहलाती है। समय से आए होते तो ट्रेन नहीं छूटती, मतलब कि भूतकाल में हो सकती थी कि अगर वो समय से आता तो ट्रेन नहीं छूटती, परंतु समय से नहीं आया इसलिए क्रिया नहीं हुई, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। वह आया हो, यह वाक्य किस काल को बताता है? समभाव्य भविष्य को, संभाव्य भूतकाल को, संभाव्य वर्तमान को, या उपयुक्त में से कोई नहीं? वर्तमान काल के भी पांच भेद माने जाते हैं। जहां सामान्य तौर पर कार्य का होना पाया जाए उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जहां पर सामान्य वर्तमान में हम क्या देखते हैं, बच्चा खेलता है, यानी कि क्रिया के मूल धातु शब्द में हम क्या करते हैं, वर्तमान की क्रिया के मूल धातु शब्द में ता ते ती जोड़ते, बच्चा खेलता है, बोहन पढ़ता है, ठीक है। अपूर्णता कहाँ होगी? जहां हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, रहा, रहे, रही, मतलब कि बच्चा खेल रहा है, माता रोटी पका रही है। पूर्णता होगी तो हम क्या लगाएंगे, चुका, चुके, और हम लगाएंगे चुकी, मतलब माता रोटी पका चुकी है, बच्चा खेल चुका है, ठीक है। लेकिन अगर वो संभावना है तो हम संभावना में क्या करेंगे कि ता ते ती के साथ में हो शब्द को जोड़ देंगे कि बच्चा आता हो, पढ़ता हो, जाता हो, खाता हो। और जहां कार्य वर्तमान में शुरू तो हुई थी परंतु अभी भी चल रही है तो उसे हम पूर्ण सातत्य वर्तमान काल कहेंगे। सुबह से लगातार वर्षा हो रही है, बच्चा दो घंटे से खेल रहा है, तो इसमें क्या प्रश्न में क्या पूछा गया है, आपको पूछा गया है कि वह आया हो, यह वाक्य किस काल को बताता है? समभाव्य भविष्य को, तो भविष्य में आने वाले समय के सूचक को हम भविष्य काल कहेंगे। यहां पर बीते हुए समय का बोध हो रहा है, इसे संभाव्य भविष्य तो है नहीं। संभाव्य भूतकाल की बात कर रहा है कि बीते हुए कार्य के समय में होने में संभावना व्यक्त कर रहा है, तो यहाँ पर बीते हुए कार्य में संभावना व्यक्त कर रहा है, यहाँ पर हमारे लिए संभाव्य भूतकाल होगा। संभाव्य वर्तमान क्यों नहीं होगा, क्योंकि वर्तमान में ता ते ती के साथ में हो जोड़ा जाता है, ठीक है। तो वह आया हो मतलब कि वर्तमान काल में होने में संभावना व्यक्त कर रहा है, तो इसके लिए हमारे लिए आपका इसमें से क्या होगा, इसमें से होगा हमारे लिए संभाव्य वर्तमान काल, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। तुम चाहो तो अभी इस झगड़ा मिट जाए, तुम चाहो तो अभी झगड़ा मिट जाए, इस वाक्य में संभाव्य भविष्य काल का क्या अर्थ व्यक्त किया जा रहा है? क्या वो संभावना बता रहा है, क्या वो कर्तव्य को बता रहा है, क्या वो विरोध को बता रहा है, क्या वो संकेत बता रहा है? आने वाले समय में होने के सूचक को हम क्या कहते हैं, भविष्य काल कहते हैं। और भविष्य काल में क्या कह रहा है, अगर तुम चाहते हो तो अभी झगड़ा मिट जाएगा, मतलब वो एक संकेत दे रहा है, तो चाहो झगड़ा अभी खत्म हो सकता है। यहाँ कर्तव्य का बोध नहीं है, संभावना नहीं है, विरोध नहीं है, मतलब यहाँ पर आपकी सांकेतिक भावना का अर्थ जो है वो प्रस्तुत हो रहा है। अगले प्रश्न की ओर। मोहन आया किस प्रकार का वाक्य है, मतलब यह वाक्य किस काल में है? क्या आसन्न भूतकाल है, क्या सामान्य भूतकाल है, कि पूर्ण भूतकाल है, कि संदिग्ध भूतकाल है? यह भी 2019 में पूछा गया प्रश्न है। मोहन आया कह रहा है तो किसी भी कार्य के समाप्ति का सूचक जो है वह हमारे लिए भूतकाल की श्रेणी में आता है, ठीक है। तो आसन्न भूतकाल क्या होता है, जहां क्रिया थोड़े ही समय पहले समाप्त हुई हो वहां इमीडिएट पास्ट टेंस यानी कि आसन्न भूतकाल होता है। बस पूजा अभी समाप्त हुई है, पिताजी अभी कार्यालय से आए हैं, भोजन अभी पका है, तो इसमें अभी जैसे शब्द का भी प्रयोग होगा और थोड़े ही समय की समाप्ति का बोध होगा, ठीक है। दूसरी बात कि सामान्य भूतकाल ही आता है कि सामान्य तौर पर किसी भी कार्य की समाप्ति का सूचक हो, विशेष समय का बोध ना हो, मैंने पढ़ा, तूने देखा, इसने खाया, हमने सुना,
जो पूर्ण भूतकाल क्या है, पूर्ण भूतकाल की खासियत क्या होती है कि क्रिया के मूल धातु शब्द में क्या जुड़ता है, चुका, चुके, चुकी जुड़ता है और भूतकाल की सहायक क्रिया था, थे और थी जुड़ता है। कि भोजन बन चुका था, पिताजी जा चुके थे, ठीक है। और संदिग्ध में क्या है, संदिग्ध में कार्य की पूर्णता का क्या होती है, एक संभावना होती है, तो उसने कहा हो, गया हो, खाया हो, पढ़ा हो, यह संदिग्धता को बताती है। तो मोहन आया कह रहे हैं, मतलब यह हमारे लिए सामान्य से बीते हुए समय का सूचक है, इसलिए मोहन आया कहते हैं। यहाँ पर सामान्य भूतकाल का उदाहरण होगा। अगले क्वेश्चन की ओर, वह आता हो, यह किस काल का उदाहरण है, संभाव्य भविष्य है कि सामान्य भविष्य है, कि संभाव्य वर्तमान है कि सामान्य वर्तमान काल है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर वह आता हो कह रहा है, तो ध्यान रखिएगा संभाव्य भविष्य, भविष्य काल की सहायक क्रिया होती है आपकी गा, गे और गी, है ना, संभवतः वह आएगा, वह पढ़ेगी, इस तरह, ठीक है। और इसी प्रकार सामान्य भविष्य, इसकी भी सहायक क्रिया के तौर पर गा गेगी, मोहन आएगा, वह जाएगा, ठीक है। समभाव्य वर्तमान, यानी कि जहां वर्तमान काल की क्रिया में संभावना व्यक्त हो, तो आता हो, जाता हो, पढ़ता हो, तो जहां पर ता, ते, ती के साथ में वर्तमान काल की सहायक क्रिया के तौर पर हो जुड़ जाए, तो वह आता हो, मतलब ऐसी क्रिया जो वर्तमान कार्य के होने में संभावना व्यक्त करती है, उसे संभाव्य वर्तमान काल कहा जाता है। सामान्य वर्तमान काल क्यों नहीं होगा, क्योंकि सामान्य वर्तमान काल की सहायक क्रिया में मूल क्रिया के धातु में ता, ते, ती के साथ में है, हो और हो जुड़ हूँ जो है वो जुड़ता है। तो अगर कहता है मैं पढ़ता हूँ, तुम जाते हो, तो सामान्य वर्तमान काल होता। संभाव्य भविष्य में क्या हो जाता, सामान्य भविष्य में वह आएगा, वह पढ़ेगा, और संभाव्य वर्तमान में वह पढ़ता हो, जाता हो, खाता हो, ठीक है। इसी प्रकार संभाव्य भविष्य में शायद वह पढ़े, शायद वह जाए, शायद वह खाएगा, इस तरह के प्रयोग जो है वो देखने को मिलेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर, अगर वह आता हुआ तो क्या होगा, इस वाक्य में कौन सा काल है, क्या वो सामान्य वर्तमान काल है, संदिग्ध वर्तमान काल है, संभाव्य वर्तमान काल है, या उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो ये सीजी व्यापम 2018 में पूछा गया आपको प्रश्न है, जिसके अंतर्गत आपसे प्रश्न पूछा है कि वह अगर आता हुआ तो क्या होगा, यानी कि यहाँ पर देखने वाली बात है इसमें से सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है क्या, नहीं। सामान्य वर्तमान काल में क्या होता, सामान्य वर्तमान काल में ता, ते, ती के साथ में है, हूँ और हो जुड़ता, तो मैं जाता हूँ, तुम जाते हो, वह जाती है होता, ठीक है। संदिग्ध वर्तमान काल में क्या होता, वर्तमान काल की क्रिया पर संभावना व्यक्त होती, तो यहाँ पर हमारे लिए ता, ते, ती के साथ में हो या होगा जुड़ता, इसलिए वह आता हो, जाता हो, पढ़ता होता। संभाव्य भविष्य में भी क्या होता, पढ़ता होता, जाता होता, खाता होता, यानी कि पढ़ा हो, मतलब कहता हो, जाता हो, खाता हो, इसलिए इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं। वह आता हुआ तो क्या होगा कहता है, तो यहाँ तो पीते हुए समय का बोध हो रहा है वर्तमान में, परंतु भविष्य की भी बात है, इसलिए इसका उदाहरण जो है इन में से कोई भी नहीं। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, सीता पढ़ रही होगी, इस वाक्य में वर्तमान काल का उपभेद है, क्या ये पूर्ण वर्तमान है, अपूर्ण वर्तमान है, संभाव्य वर्तमान है या सामान्य वर्तमान है। सबसे पहली बात, किसी भी क्रिया के मूल धातु शब्द में यदि ता, ते, ती के साथ में है, हो और हो जुड़ता है, तो वह सामान्य का वर्तमान का उदाहरण बनता है। बच्चा खेलता है, मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। जहां पर वाक्य की क्रिया में पूर्णता कोई बोध नहीं होता, ता, ते, ती के साथ में उसमें हो जैसे शब्द की संभावना हो, तो वह संभाव्य वर्तमान होता है। बच्चा पढ़ता हो, है ना, पिताजी आते हो, राधा जाती हो, मोहन कहता हो, ठीक है, पूर्णता की सूचक होती है, तो क्या होता है, बच्चा पढ़ चुका है, तुम जा चुके हो, वह खाना पका चुकी है, तो चुका, चुकी, चुकी के साथ में है, हूँ और हो जुड़ता है। लेकिन यहाँ कंटिन्यूशन है, इंग्लिश में आप लगाते हैं आईएनजी, वैसे ही यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, रहा, रहे, रही का सहायक प्रयोग करते हैं। तो सीता पढ़ रही होगी, मतलब ऐसी क्रिया जो वर्तमान में शुरू तो हुई परंतु समाप्त नहीं हुई है, तो उसे हम अपूर्ण वर्तमान काल की क्रिया कहेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं,
विद्यार्थी कक्षा से निकले हैं, यह भूतकाल के किस रूप का उदाहरण है? ऑप्शन ए कहता है आसन्न भूतकाल है, ऑप्शन बी कहता है सामान्य भूतकाल है, ऑप्शन सी कहता है पूर्ण भूतकाल है, या ऑप्शन डी कहता है हेतु हेतुमत भूतकाल है। तो ये भी 2018 में पूछा गया। मैंने पहले ही बताया था भूतकाल के 6 भेद होते हैं, सामान्य भूत, पूर्ण भूत, आसन्न भूत, हेतु हेतुमत, और एक होता है हमारे लिए अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, ठीक। और इसी प्रकार देखा जाए तो सामान्य, पूर्ण, अपूर्ण, हेतुमत, और एक होता है हमारा संदिग्ध, है ना, संदिग्ध भूतकाल। और ये क्या होते हैं? तो समझने वाली बात है कि जहां सामान्य तौर पर कार्य की समाप्ति का सूचक है उसे सामान्य भूतकाल कहेंगे। मतलब क्रिया के मूल धातु शब्द में अगर हम देखें तो उसका भूतकालिक रूप होगा, मैंने भोजन खा लिया, मैंने किताब पढ़ ली, पिताजी चले गए, तो ये सामान्य भूतकाल होगा। लेकिन जहां पर हम पूर्णता का बोध करते हैं तो यही था, थे और थी जो है वो आपके चुका, चुके, चुकी के साथ में लग जाता है। पिताजी जा चुके थे, माता रोटी पका चुकी थी, बच्चा खेल चुका था, या हम सिंपल से लगाते हैं मैंने खा लिया था, मैं चला गया था। ठीक है, जहां पर कार्य थोड़े ही समय पहले समाप्त हुई है उसे हम इमीडिएट पास्ट टेंस यानी कि आसन्न भूतकाल कहेंगे, कि पिताजी चले गए थे, बच्चा सो गया था, मैंने भोजन अभी खाया, तो यह आपके आसन्न भूतकाल। हेतु हेतुमत क्या होगा? जहां पर हमारे लिए आपका क्या होगा, जहां पर किसी भूतकाल की क्रिया पर दूसरी क्रिया संभावना, मतलब क्या होगा, आपकी भूतकाल की क्रिया पर दूसरी क्रिया निर्भर हो। समय से आते तो, समय से आते तो गाड़ी नहीं छूटती। तो कक्षा से निकले हैं, है ना, बच्चे कक्षा से निकले हैं, थोड़े ही समय पहले अगर वो कक्षा से निकले हैं तो वहां होता है हमारे लिए आसन्न भूतकाल। यानी कि कार्य जो भूतकाल का थोड़े ही समय पहले हुआ हो वहां आसन्न भूतकाल होता है, जिसे इमीडिएट पास्ट टेंस कहा जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है? यह आपके 2018 का प्रश्न है। वह पढ़ रहा था, उसने पढ़ाई की थी, वह पढ़ने वाला है, उसने पढ़ाई कर ली थी। अब देखिए भूतकाल की सबसे बड़ी सहायक क्रिया होती है था, थे और थी। अब देखिए वह पढ़ रहा था यानी कि कंटिन्यूशन में भूतकाल की ऐसी क्रिया जो शुरू तो हुई थी समाप्त नहीं हुई थी, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या अपूर्ण भूतकाल कहलाएगा। तो यह भूतकाल का उदाहरण है। उसने पढ़ाई की थी मतलब ऐसी क्रिया जो भूतकाल में पूरी हो चुकी है, तो पूर्ण भूतकाल यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाएगा। उसने पढ़ाई कर ली थी, ठीक है, तो यहाँ पर भी पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाएगा यानी कि पूर्ण भूतकाल। लेकिन है जहां पर सहायक क्रिया होगी, है ना, कि वह पढ़ने वाला है ना, तो यहाँ पर हमारे लिए आपके वर्तमान काल का उदाहरण है, बाकी सभी हमारे लिए भूतकाल का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 13, बालक स्कूल जा रहा है कौन सा काल है? क्या यह वर्तमान काल में है, भूतकाल में है, भविष्य काल में है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? यह भी 2018 का प्रश्न है। तो जहां पर मैंने बताया कि है, हो और हु जुड़ता है वो वर्तमान काल की सहायक क्रिया है, चूंकि यह कंटिन्यूशन बता रहा है कि बालक स्कूल जा रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि अपूर्ण वर्तमान काल, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्तमान काल का उदाहरण है। गीता गाना गा चुकी वाक्य में कौन सा काल है? क्या यह भविष्य काल है, क्या यह भूतकाल है, वर्तमान काल है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? ये भी 2018 में सीजी व्यापम के द्वारा पूछा गया प्रश्न है। तो गीता गाना गा चुकी कह रहा है मतलब ऐसी क्रिया जो समाप्त हो गई है यह भूतकाल की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो गाना गा चुकी है ना, यानी कि जो गाने की प्रक्रिया है वो समाप्त हो गई है, तो जहां कार्य समाप्ति का सूचक हो वहां भूतकाल होता है। अगर आप इन सभी चीजों को बहुत अच्छे से जानना चाहते हैं बेटा, तो जो आई बटन है उसको जैसे ही क्लिक करेंगे आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक में जैसे ही आप जाएंगे तो टेंस से रिलेटेड हिंदी भाषा के अंतर्गत एक लेक्चर वीडियो मिलेगा, जहां बहुत अच्छे से मैंने विद एग्जाम्पल और सूत्र के माध्यम से मैंने उसे समझाने का प्रयास किया है, तो वहां से आपको इसमें सरलता प्राप्त होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, संदिग्ध वर्तमान काल है, सीता खेल रही होगी, मोटर चल रही है, वे आए हैं, बालक खा रहा है। तो संदिग्ध वर्तमान यानी कि डाउटफुल प्रेजेंट टेंस, ऐसी क्रिया जो वर्तमान काल में
होने के प्रति संदिग्धता का बोध कराए। ऐसी क्रिया जो वर्तमान काल में कार्य के होने के प्रति संदिग्धता प्रस्तुत कराए उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। तो सीता खेल रही होगी, मोटर चल रही है, वे आए हैं या बालक खा रहा है। अब देखने वाली बात है कि मोटर चल रही है तो सामान्य आपका ये कौन सा काल में आएगा, मोटर चल रही है कहता है तो अपूर्ण वर्तमान काल होगा, बालक खा रहा है कहते हैं तो ये भी अपूर्ण वर्तमान काल होगा, वे आए हैं कहता है तो पूर्ण वर्तमान काल होगा, लेकिन सीता खेल रही होगी कहते हैं तो खेलने के प्रति संभावना व्यक्त की जा रही है, इसलिए यहाँ पर संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है। अगले प्रश्न की ओर, कौन सा वाक्य भविष्य काल का उदाहरण नहीं है, वह स्कूल जाएगा, आप बुलाते तो मैं अवश्य आता, लगता है राम कल आएगा, न मन तेल होगा न राधा नाचेगी। भविष्य काल क्या है, किसी भी आगामी समय में कार्य के होने के प्रति यदि व्यक्त किया जाए तो किसी भी आगामी समय के सूचक को भविष्य काल कहा जाता है। इसके सहायक क्रिया होती है, मूल धातु शब्द के साथ में जुड़ता है गा गे और गी। तो वह स्कूल जाएगा मतलब आने वाले समय का सूचक है, लगता है राम कल आएगा आने वाले समय का सूचक है, नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी आने वाले समय का सूचक है। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी, आप बुलाते तो मैं अवश्य आता, तो बुलाने की प्रक्रिया पीछे की है कि बुलाए होते तो मैं आता, तो ये हमारे लिए हेतु हेतुमत भूतकाल का उदाहरण है, माने कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है जो भविष्य काल का उदाहरण नहीं है। अगले प्रश्न की ओर, भविष्य काल के कितने भेद होते हैं, क्या दो भेद होते हैं, तीन होते हैं, पांच होते हैं या एक होते हैं। भविष्य काल के तीन भेद होते हैं, सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य और हेतु हेतुमत भविष्य काल। और वर्तमान काल के पांच भेद होते हैं, सामान्य, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध और पूर्ण सातत्य वर्तमान काल। भूतकाल के छह भेद होते हैं, सामान्य भूत, अपूर्ण भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, इसी प्रकार होते हैं आसन्न भूत और एक होता है हेतु हेतुमद भूतकाल। ठीक है, भविष्य काल के केवल तीन भेद माने जाते हैं, सामान्य भविष्य, संदिग्ध भविष्य और हेतु हेतुमद भविष्य काल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, मोहन अभी आया है, वाक्य में क्रिया किस काल का है, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल या सामान्य भूतकाल। मैंने बताया कि कोई भी कार्य की समाप्ति थोड़े ही समय पहले हुई होगी तो आसन्न भूतकाल कहता है, जहां पर आने की बात बता रहे कि थोड़े ही समय पहले आया है, यह इमीडिएट पास्ट टेंस यानी कि आसन्न भूतकाल का उदाहरण है। अगले प्रश्न की ओर, कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का है, वह काम कर रही थी, वह काम कर चुकी थी, वह काम करती थी, वह काम कर चुकी। ठीक है, तो समझने वाली बात है कि पूर्णता सूचक के लिए हम चुका, चुके, चुकी का प्रयोग करते हैं और उसके साथ में सहायक क्रिया तौर पर था, थे, थी का प्रयोग किया जाता है। तो सीजी व्यापम 2017 में पूछा गया प्रश्न है कि कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल में है, तो वह काम कर चुकी थी पूर्णता का सूचक है, कर रही थी अपूर्णता का सूचक है, काम करती थी यह भी अपूर्णता का सूचक है और इसी प्रकार काम कर चुकी तो सामान्य भूतकाल का सूचक है, लेकिन काम कर चुकी थी कह रहा है तो पूर्ण भूतकाल का सूचक है। अगले प्रश्न की ओर, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है, वर्षा हो रही है, रमेश ने समाचार पढ़ा, वह कलकत्ता जाता है, सीता बाजार जाती होगी। तो सामान्य वर्तमान काल की क्रिया में क्रिया के मूल धातु में ता ते ती जुड़ता है, तो ऐसी क्रिया जो सामान्य तौर पर वर्तमान में हो रही है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। और ये क्वेश्चन पूछा गया था 2016 सीजी व्यापम के अंतर्गत। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। 22 क्या कहते हैं, परीक्षार्थियों ने प्रश्नों को अच्छे से हल किए होंगे में भूतकाल है, क्या यह अपूर्ण भूतकाल है, क्या आसन्न भूतकाल है, संदिग्ध भूतकाल है या सामान्य भूतकाल है। सीजी व्यापम का पूछा गया यह प्रश्न है, परीक्षार्थियों ने प्रश्नों को अच्छे से हल किए होंगे, तो क्या कह रहा है कि अगर अपूर्णता है, भूतकाल की क्रिया पर अपूर्णता है तो रहा, रहे, रही, था, थे, थी जुड़ेगा, पढ़ रहे होंगे, जा रहे होंगे, खाए होंगे, है ना, इसी प्रकार। और यहाँ पर अभी परीक्षा हल किए गए होंगे कह रहा है, यानी कि जहां भूतकाल की क्रिया पर संभावना व्यक्त की जाए वहां संदिग्ध भूतकाल होता है। ठीक है, सीता स्कूल गई, क्वेश्चन नंबर 23, सीता स्कूल गई है, यह वाक्य निम्न में से किस काल को दर्शाता है, क्या सामान्य भूतकाल है, पूर्ण भूतकाल है,
आसन्न भूतकाल है या संभाव्य भूतकाल है। अब स्कूल गई है कह रहा है तो कार्य की समाप्ति का सूचक है, इसलिए इसे हम सामान्य भूतकाल का उदाहरण लेंगे। आसन्न क्यों नहीं है, अभी स्कूल के लिए गई कहेंगे तो आसन्न भूतकाल होगा, स्कूल जा चुकी थी कहेंगे तो पूर्ण भूतकाल होगा, स्कूल गई होगी कहेंगे तो संभाव्य होगा। लेकिन स्कूल गई है कह रहा है मतलब स्कूल जाने की क्रिया पूर्ण हो चुकी है, इसे सामान्य भूतकाल की श्रेणी में आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर। आप ऐसे बोलते हैं मानो मुख से फूल झड़ते हो, वाक्य में क्रिया किस काल का है, क्या संभाव्य वर्तमान काल है, संदिग्ध वर्तमान काल है, पूर्ण वर्तमान काल है या तात्कालिक वर्तमान काल है। 2021 का पूछा गया ये प्रश्न है। आप ऐसे बोलते हैं मानो मुख से फूल झड़ते हो, तो संभावना व्यक्त कर रहा है कि संदिग्धता बता रहा है कि पूर्णता बता रहा है कि तात्कालिक, तात्कालिक को ही अपूर्णता कहा जाता है ना, तात्कालिक को ही अपूर्ण वर्तमान काल मतलब कंटिन्यूशन में है, ठीक है। तो संभावना व्यक्त की जा रही है, ऐसा लग रहा है मानो मुख से फूल झड़ रहे हैं तो संभाव्य वर्तमान काल की श्रेणी का उदाहरण है, ठीक है। अगला, निम्नांकित में से किस वाक्य की क्रिया संदिग्ध वर्तमान काल में है। संदिग्ध वर्तमान काल क्या होता है, वर्तमान काल की ऐसी क्रिया जिसमें कार्य के होने के प्रति संदिग्धता संभावना का बोध हो, संदिग्ध वर्तमान काल यानी कि डाउटफुल प्रेजेंट टेंस कहलाता है। विच वन मतलब कि इसमें से कौन सा है जो संदिग्ध वर्तमान काल है। अब मैं क्या करूं, तुम चाहो तो अभी झगड़ा मिट जाए, चाय पत्तियों से बनती होगी, कहीं पानी बरसा होगा क्योंकि ठंडी हवा चल रही है। अब देखने वाली बात है, तो अब मैं क्या करूं कह रहा है तो आने वाले समय का बोध करा रहा है। तुम चाहो तो अभी झगड़ा मिट जाए कहकर संकेत दे रहा है, कहीं पानी बरसा होगा कहकर बीते हुए समय का बोध करा रहा है। संदिग्धता कहाँ है, चाय पत्तियों से बनती होगी, कार्य के प्रति संभावना व्यक्त की जा रही है। तो क्रिया के मूल धातु में ता ते ती जोड़कर हो होगा जैसे शब्द का प्रयोग सहायक क्रिया के तौर पर किया जाता है। अगला प्रश्न, हम यह लड़की किसको दे, हम यह लड़की किसको दें, क्रिया किस काल में है, संभाव्य भविष्य काल में है कि सामान्य भविष्य काल में है कि हेतु हेत भविष्य काल में है या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारे लिए संभावना व्यक्त की जा रही है कि रिश्ते की बात हो रही है, दो तीन रिश्ते आए हैं और हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि यह लड़की हम किनके पक्ष में दें। यहाँ पर हमारे लिए संभाव्य भविष्य काल का उदाहरण है, ठीक है। और सामान्य भविष्य क्यों नहीं होगा, क्योंकि यह लड़की किस घर जाएगी कहेंगे तब हमारे लिए भविष्य काल का उदाहरण होगा। और हेतु हेतु में भविष्य काल क्या होगा, देखिए जहां वर्तमान काल में कार्य का होना है वो सामान्य वर्तमान है, सामान्य तौर पर बीते समय का सूचक हमारे लिए सामान्य भूतकाल है, वैसे ही आगामी समय में कार्य के आने वाले समय का सूचक सामान्य भविष्य काल कहलाता है। जैसे कि बंसी बाजेगी, राधा नाचेगी, मैं विद्यालय जाऊंगा, कल वर्षा होगी, हम रोटी खाएंगे, सामान्य भविष्य काल है। संभावना क्या है कि जहां कार्य की संदिग्धता का बोध हो, शायद कल छुट्टी हो, संभवतः कल वर्षा होगी, मैं कल विद्यालय शायद ना आऊं, तो यहाँ पर एक संभावना है कि हम यह लड़की किसको दें, ठीक है। और हेतु हेतु मत भविष्य काल क्या होगा, जहां भूतकाल की एक क्रिया पर दूसरी क्रिया निर्भर थी तो हेतु हेतु मत भूतकाल था, वैसे ही भविष्य की एक क्रिया पर अगर दूसरी क्रिया निर्भर होगी तो भविष्य में हेतु हेतु मत भविष्य काल होगा। मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, समय पर आओगे तो गाड़ी नहीं छूटेगी। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है ऑप्शन नंबर आपका ए। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से सामान्य भविष्य काल का सूचक वाक्य का चयन कीजिए। उस ऋषि का हृदय बड़ा कठोर होगा, हम यह किसको दें, ईश्वर आपकी बढ़ती करें, अब मैं क्या करूं। तो भविष्य काल की सहायक क्रिया होती है गा गे और गी। उस ऋषि का हृदय बड़ा कठोर होगा कह रहे हैं तो आने वाले समय का सूचक होकर भविष्य काल की श्रेणी में ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर में आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा वाक्य सामान्य वर्तमान काल का है, वर्षा हो रही थी, वह कलकत्ता जाता है, सीता बाजार जाती होगी, रमेश ने समाचार पढ़ा,
तो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस पूछा, यानी कि सामान्य वर्तमान काल। तो सामान्य वर्तमान काल क्या होता है, किसी भी क्रिया के मूल धातु में ता ते ती जुड़ा और सहायक क्रिया के तौर पर है हु और हो जुड़ता है। तो वह कलकत्ता जाता है यह सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। वर्षा हो रही थी अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। सीता बाजार जाती होगी अगर कहते हैं यह हमारे संभाव्य वर्तमान काल है। रमेश ने समाचार पढ़ा कह रहा है यह हमारे सामान्य भूतकाल का उदाहरण है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर। दिए गए वाक्य के काल का सही विकल्प हो, यदि पैसे होते तो मैं सामान खरीद लिया होता। यदि पैसे होते तो मैं सामान खरीद लिया होता, यह किस काल का उदाहरण है? क्या यह अपूर्ण वर्तमान है, आसन्न भूतकाल है, हेतु हेतुमत भूतकाल है या सामान्य वर्तमान है? जहां आपके वर्तमान काल की क्रिया में आपकी अपूर्णता का बोध हो अपूर्ण वर्तमान काल कहलाता है। इसकी सहायक क्रिया रहा, रहे, रही के साथ में है, हो या हो जुड़ता है। ठीक है, तो बच्चा खेल रहा है, तुम पढ़ रहे हो। आसन्न भूतकाल जहां कार्य थोड़े ही समय पहले हुए, पूजा अभी समाप्त हुई है, मैंने अभी भोजन खाया है, पिताजी थोड़ी देर पहले आए हैं, तो आसन्न भूतकाल। हेतु हेतुमत भूत काल क्या है कि जहां भूतकाल की एक क्रिया पर दूसरी क्रिया निर्भर करे। पैसे होते तो सामान खरीदता, पैसे होते तो सामान खरीदता कह रहा है। और सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल में क्रिया के मूल धातु में ता ते ती के साथ में है और हु जुड़ता है। जाता हो, पढ़ता हो, पढ़ता है, खाता है, जाता है। लेकिन भूतकाल की एक क्रिया कि समय पर वर्षा हो गई होती तो फसल सूखने से बच जाता, समय पर आए होते तो गाड़ी नहीं छूटती, तो पैसे होते तो सामान खरीदता। ठीक है, तो ये होता है हमारे लिए हेतु हेतुमत भूतकाल। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में काल का सही विकल्प हो। सुनीता नृत्य करती होगी, सुनीता नृत्य करती होगी संदिग्ध वर्तमान काल है कि संभाव्य भविष्य काल है कि संदिग्ध भूतकाल है कि अपूर्ण वर्तमान काल है? तो कहने वाली बात है कि यहाँ पर संदिग्ध वर्तमान काल क्या है, जहां वर्तमान काल की क्रिया में संदिग्धता या संभावना का बोध हो संदिग्ध वर्तमान काल होता है। जहां पर क्रिया के मूल धातु में हम क्या जोड़ते हैं, वंस अगेन ता ते ती जुड़ता है और संभावना व्यक्त करने के लिए हो या होगा या होगी का प्रयोग जुड़ता है। तो सुनीता नृत्य करती होगी मतलब वर्तमान में कार्य की संभावना को व्यक्त किया जा रहा है, तो संदिग्ध वर्तमान काल होगा। अब आपका दिमाग कहता है कि संभाव्य भविष्य काल क्यों नहीं है, शायद नृत्य करती हो अगर कहता है, संभवतः नृत्य करती होते ये संदिग्ध वर्तमान है, करती होगी, जाती होगी, खाती होगी कहता है, तब हमारे लिए आपके संभाव्य भविष्य काल हो, लेकिन संभावना भविष्य के काल में हो है ना, तब वो संदिग्ध भविष्य काल होगा। संदिग्ध भूतकाल, भूतकाल की क्रिया पर संभावना, वह आया हो, पढ़ा हो, खाया हो, तब संदिग्ध भूतकाल होगा। और अपूर्ण वर्तमान रहा, रहे, रही के साथ में जुड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है ऑप्शन नंबर आपका है, सुनीता नृत्य करती होगी मतलब वर्तमान काल की क्रिया में संदिग्धता वर्तमान प्रस्तुत की जा रही है, इसलिए करती होगी कहकर ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन। दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए, राम स्कूल जाता है, क्या यह भूतकाल का उदाहरण है कि भविष्य काल का कि संदिग्ध भूतकाल का या वर्तमान काल का? क्रिया के मूल धातु में अगर ता के साथ में सहायक क्रिया है जुड़ा मतलब यह हमारे लिए सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण संदिग्ध भूतकाल का है, राजू ने खा लिया था, शायद वे आ जाते, वे मंदिर चले गए होंगे या उसने शरबत पिया है। अब संदिग्ध भूतकाल मैंने बताया कि भूतकाल की क्रिया पर यदि संदिग्धता का बोध हो, राजू ने खा लिया था पूर्णता का बोध है इसलिए हमारे लिए पूर्ण भूतकाल होगा। शायद वे आ जाते, यहाँ पर आपकी संदिग्धता का बोध हो रहा है, वे मंदिर चले गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी आपके वर्तमान की स्थिति का शायद वे आ जाते कह रहा है, तो समान आपके संदिग्ध वर्तमान का बोध हो रहा है, वे मंदिर चले गए होंगे।
है ना, कि भूतकाल की क्रिया पर संदिग्धता प्रस्तुत की जा रही है, तो ऑप्शन नंबर आपका होगा सी, उसने शरबत पिया है कहते हैं, यह हमारे सामान्य भूतकाल है। पर प्रश्न क्या पूछा, संदिग्ध भूतकाल, तो मंदिर चले गए होंगे उस पर संभावना व्यक्त की जा रही है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी। अगले क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित प्रश्न में से चार विकल्प में से उस विकल्प का चयन करना है जो वाक्य के काल का सही विकल्प हो। बच्चे कैरम बोर्ड खेलेंगे, क्या यह आसन्न भूतकाल का उदाहरण है, क्या यह हेतु हेतुमत भूतकाल का उदाहरण है, क्या संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है, या सामान्य भविष्यकाल का उदाहरण है। 2019 CSPHCL में पूछा गया यह प्रश्न है। सबसे पहली बात कि क्रिया के मूल धातु शब्द में यदि गा गे और गी जुड़ता है तो हमें मालूम होना चाहिए कि वह भविष्य काल का उदाहरण है, ठीक है। अब देखने वाली बात है कि आसन्न भूतकाल का मतलब होता है कि कार्य थोड़े ही समय पहले हुआ हो, तो इमीडिएट पास्ट टेंस यानी कि आसन्न भूतकाल होता है, ठीक है। हेतु हेतुमत भूतकाल, जहां भूतकाल की एक क्रिया पर दूसरी क्रिया निर्भर करे, तो हमारे लिए वो आपका कंडीशनल पास्ट टेंस हो जाता है। संदिग्ध भूतकाल यानी कि आने वाले समय में कार्य के होने में, मतलब बीते हुए समय में कार्य के होने के प्रति संदिग्धता व्यक्त हो, तो हमारे लिए डाउटफुल पास्ट टेंस हो जाता है। सामान्य भविष्यकाल क्या कहता है, ऐसी क्रिया जो आने वाले समय का सूचक हो, तो बच्चे आने वाले समय में क्या करेंगे, कैरम बोर्ड खेलेंगे, तो सामान्य भविष्यकाल का उदाहरण है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के काल का सही विकल्प हो। रोहन ने सोहन को मारा, क्या यह सामान्य वर्तमान काल में है, आसन्न भूतकाल में है, सामान्य भूतकाल में है, या संदिग्ध भूतकाल में है। सामान्य वर्तमान काल में क्या होगा, अगर कहते हैं मोहन सोहन को मारता है तब वो सामान्य वर्तमान काल होता। आसन्न भूतकाल यानी कि थोड़े ही समय पहले अगर वहां पर कार्य समाप्त हुए तो आसन्न भूतकाल होता, है ना, जैसे मोहन ने मुझे अभी मारा, ठीक है। सामान्य भूतकाल कार्य समाप्ति का सूचक, कोई विशेष समय का बोध नहीं है, केवल कार्य समाप्ति का सूचक है, इसलिए यहाँ सामान्य भूतकाल का उदाहरण होगा। संदिग्ध भूतकाल क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार की संदिग्धता का बोध नहीं हो रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सामान्य भूतकाल का है, सिंपल पास्ट टेंस का है। राधा घर में सोई थी, वे वहां आए थे, राम दूध पीता है, वह दिल्ली गया, ठीक है। तो ऐसी क्रिया जो सामान्य तौर पर कार्य समाप्ति का सूचक है, सोई थी कह रहे हैं तो वहां पर पूर्णता है, आए थे कह रहे हैं तो पूर्णता है, दूध पीता है कहते हैं तो वर्तमान का सूचक है, वह दिल्ली गया बीते हुए समय का सूचक है, जैसे सामान्य भूतकाल में ऑप्शन नंबर आपका डी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर, फिर से वैसे ही प्रश्न पूछा गया है, बच्चे टीवी देख रहे हैं, बच्चे टीवी देख रहे हैं किस काल का उदाहरण है, क्या हेतु हेतुमत भूतकाल है, अपूर्ण वर्तमान काल है, समान भाग्य वर्तमान काल है, या आसन्न भूतकाल है। हेतु हेतुमत भूतकाल में एक क्रिया दूसरी पर निर्भर, तो बच्चे टीवी देख रहे हैं तो रहा रहे रही जुड़ रहा है, सहायक क्रिया के तौर पर है जुड़ रहा है, तो अपूर्ण वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ये उदाहरण है, ठीक है। अब आते हैं आगे, सारा सामान बिक चुका होगा, इसमें कौन सा काल है, अपूर्ण भूतकाल है कि आसन्न भूतकाल है, कि सामान्य वर्तमान है, कि संदिग्धता है। बीते हुए समय में कार्य के प्रति संभावना व्यक्त की जा रही है, मतलब सामान क्या होगा, बिक चुका होगा, तो इसमें आएगा आपके लिए ऑप्शन नंबर डी। अपूर्ण भूतकाल क्यों नहीं है, अगर कहता पढ़ रहा था जा रहा था तो आपके अपूर्ण भूतकाल होता, अभी पढ़ा अभी गया तो आसन्न भूतकाल होता, ठीक है। और संभाव्य वर्तमान पढ़े हो, अगर कहते हैं पढ़ता होता जाता होता पढ़ा हो जाए, तो ये हमारे लिए सामान्य वर्तमान, आपके सामान्य वर्तमान, ठीक है, जाता है पढ़ता है। यहाँ पर क्या पूछा है, सारा सामान बिक चुका होगा, तो बीते हुए समय में कार्य के प्रति संभावना व्यक्त की जा रही है, तो संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की ओर, कौन सा उदाहरण तात्कालिक वर्तमान काल का नहीं। अब आप कहेंगे कि तात्कालिक वर्तमान काल क्या होता है, तात्कालिक वर्तमान काल को ही हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। तो प्रश्न ने पूछा है कि कौन सा उदाहरण है जो तात्कालिक वर्तमान काल का नहीं है, ये 2019 में पूछा है। वे सो रहे हैं, माँ देख रही है, वे बाजार गए हैं, सभी हंस रहे हैं, तो जहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है वहां रहा रहे रही के साथ में है हो
खूह जुड़ता है, तो यहाँ पर बाजार गए हैं कह रहा है। ये हमारे लिए पूर्णता का सूचक होके भूतकाल हो जाएगा। और जहां वर्तमान काल में कार्य के होने के प्रति ऐसी व्यवस्था हो जहां वर्तमान में कार्य शुरू तो हुआ था परंतु पूरा नहीं हुआ था, मतलब वो सो रहे थे उठे नहीं थे, माँ देख रही थी, सभी हंस रहे थे लेकिन वे गए हैं कहता है, तो ये हमारे लिए वर्तमान काल का उदाहरण नहीं है। अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से अपूर्ण वर्तमान काल के उदाहरण का चयन कीजिए। बच्चा रो रहा है, बच्चा रोता है, श्याम पत्र लिखता है, कमल आता है। देखिए, बच्चा रोता है कहते हैं तो सामान्य वर्तमान हुआ, कमल आता है कहें तो सामान्य वर्तमान हुआ, और श्याम पत्र लिखता है कहते तो सामान्य वर्तमान। लेकिन जहां अपूर्णता का सूचक है वहां पर अपूर्ण वर्तमान काल होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती किस काल का उदाहरण है? हेतु हेतुमत भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल या आसन्न भूतकाल? तो कहने का मतलब भूतकाल की एक क्रिया पर दूसरी क्रिया निर्भर करेगी, वहां हेतु हेतुमत भूतकाल होगा। ठीक है, और इस तरह आज के 40 प्रश्न के माध्यम से आपने टेंस को जाना और हम थोड़ा सा ट्विक तरीके से जानने की कोशिश करेंगे कि किसी भी कार्य के वर्तमान समय में होने के सूचक को वर्तमान काल, कार्य समाप्ति के सूचक को हम कहते हैं भूतकाल, और आने वाले समय के सूचक को भविष्य काल कहा जाता है। ठीक है, वर्तमान काल के अंतर्गत जहां सामान्य तौर पर वर्तमान की क्रिया हो तो ता, ते और ती के साथ में सहायक क्रिया तौर पर है हूँ और हमारे लिए हो जुड़ता है, इसलिए देखा जाए तो वह पढ़ता हो, जाता हो, खाता हो कहते। जहां पूर्णता है तो वहां पर हमारे लिए रहा, रहे, रही जुड़ेगा, तो बच्चा खेल रहा है, माता भोजन पका रही है। जहां पर पूर्णता है तो क्या जुड़ेगा? चुका, चुके, चुकी जुड़ेगा, तो माता भोजन पका चुकी है, पिताजी कार्यालय जा चुके हैं। जहां वर्तमान काल की क्रिया में संभावना व्यक्त हो तो ता, ते और टी के साथ में संभावना व्यक्त करने वाले शब्द हो जुड़ेगा, आता हो, जाता हो, पढ़ता हो, खाता हो। और जहां पर समय में संकार में होने के प्रति ऐसा बोध हो जहां शुरू तो हुई थी क्रिया परंतु समाप्त नहीं हुई है तो पूर्ण सातत्य वर्तमान होगा, जहां समय आ जाता है 2 घंटे से वर्षा हो रही है। और इस तरह वर्तमान काल के 5 प्रकार हो जाते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसे सामान्य वर्तमान काल कहेंगे, अपूर्ण वर्तमान काल जिसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे, पूर्ण वर्तमान जिसे हम परफेक्ट टेंस कहेंगे, आपके संदिग्ध वर्तमान काल जिसे हम डाउटफुल प्रेजेंट टेंस कहेंगे, और पूर्ण सातत्य वर्तमान काल जिसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। उसी प्रकार है भूतकाल। भूतकाल में सामान्य तौर पर कार्य की समाप्ति हो तो वहां पर हमारे लिए भूतकालिक रूप होगा। मैंने मेला देखा, बच्चों ने गीत सुनाया, राधा ने रोटी खाई, तो सामान्य भूतकाल होगा। ठीक है, जहां पूर्णता नहीं है, अपूर्णता का बोध है तो अपूर्ण भूतकाल, यानी कि बच्चा खेल रहा था, माता रोटी पका रही थी। जहां पूर्णता है तो पूर्ण भूतकाल, माता भोजन पका चुकी थी, मैंने खाना खा लिया था। जहां पर थोड़े ही समय पहले का बोध हो तो आसन्न भूतकाल, यानी बच्चा अब भी सोया है। ठीक है, जहां पर भविष्य भूतकाल की क्रिया पर संदिग्धता हो, उसकी परीक्षा समाप्त तो हो गई होगी, पिताजी कार्यालय से आ गए होंगे, तो संदिग्ध या संभाव्य भूतकाल होगा। जहां भूतकाल की क्रिया पर दूसरी क्रिया निर्भर करेगी वहां होगा हमारे लिए आपका हेतु हेतुमत भूतकाल। समय पर आए होते तो गाड़ी नहीं छूटती। ठीक है, इसी प्रकार तुम जल्दी आते तो तुम्हें भी प्रसाद मिलता। और भविष्य काल की सहायक क्रिया क्या होगी? गा, गे और घी। तो अगर कहता है बंसी बाजेगी, राधा नाचेगी, तो वहां पर हमारे लिए आपका हो जाता है संभाव्य आपकी भविष्यकाल। और इसी भविष्यकाल की क्रिया में 3 पक्ष होते हैं, सामान्य भविष्य, संदिग्ध भविष्य और हेतु हेतुमत भविष्य। जहां सामान्य तौर पर कार्य की समाप्ति है सामान्य भविष्यकाल होगा, जहां भविष्य के कार्य में संभावना व्यक्त हो, शायद कल क्रिकेट मैच हो, संभवतः कल छुट्टी होगी, तो हमारे लिए वो संदिग्ध भविष्यकाल होगा। समय से आओगे तो गाड़ी नहीं छूटेगी, मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे कहता है, तो हेतु हेतुमत भविष्यकाल होगा। और इस तरह देखा जाए तो वर्तमान काल के 5 उपभेद होते हैं, भूतकाल के 6 उपभेद होते हैं और भविष्यकाल के 3 उपभेद माने जाते हैं। ठीक है, तो सामान्य वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध या संभाव्य वर्तमान और पूर्ण सातत्य वर्तमान काल, 5 प्रकार के।
सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, उसी प्रकार आपका संदिग्ध या संभाव्य भूतकाल और हेतु हेतुमत भूतकाल करके छह प्रकार के, और इसी प्रकार के आने वाले समय में समाप्ति के सूचक, आपके सब आगामी समय का सूचक भविष्य काल में सामान्य भविष्य, संदिग्ध भविष्य और हेतु हेतुमत भविष्य काल कहकर तीन प्रकार के उदाहरण होते हैं। ठीक है, तो टेंस से संबंधित कितने प्रकार के और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं मैंने एमसीक्यू के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करती हूँ कि आपकी परीक्षाओं के लिए यह एक सार्थक प्रयोग होगा जिससे पढ़कर आप अपने मन के डाउट को क्लियर कर पाएंगे। और अच्छे से अधिक जानकारी प्राप्त करनी है तो आई बटन को क्लिक कीजिए, वहां जाइए तो आपको मिलेगा एक लिंक, उस लिंक में जैन आपके टेंस से संबंधित लेक्चर वीडियो मिलेंगे जहां आप बहुत अच्छे से हर एक पॉइंट्स को बहुत अच्छे से जिस तरह सूत्र में मैं बताने का प्रयास कर रही हूं वैसे ही चीजें आपको वहां पर प्राप्त होंगी। तो आज हमने क्या जाना कि जो चार प्रकार के विकार्य शब्द हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, उन्हीं को विकार उत्पन्न कराने वाले दो कारक आपने पढ़े थे वचन और लिंग को, और आज हमने काल को कंप्लीट किया है। और इसी तरह छोटे छोटे लेक्चर वीडियो के माध्यम से हम टॉपिक्स को कवर करते जाएंगे और आपके मन के डाउट को भी खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो यूं ही मेरे साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। मेरे सभी बच्चों को मेरे साथ अब तक जुड़े रहने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार। थैंक यू सो मच, लव यू एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल माय बच्चा।